ट्राई जरूर करना। जितने भी वर्ड्स आज मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक सिंगल वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाना और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें भी पता चले कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी यूज़फुल है। सो वेलकम गाइज, यू आर वॉचिंग आल्स मेंटर हनी। गाइज, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपके साथ वोकेबलरी शेयर की थी, एंड इफ़ गाइज यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो आज के लिए हम स्टार्ट करेंगे वो कैब वर्ड के साथ, एंड साथ ही रिवीजन भी होगी उन वर्ड्स की। इससे आपको इजी हो जाएगा, सभी वर्ड्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आई एम प्रेटी श्योर कि ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन वर्ड से आपकी स्पीकिंग, आपका टास्क बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो गाइज, ये जो वर्ड्स हैं, अभी मैं अपनी पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ और इन वर्ड्स की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हाउ कैन यूज़ दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एंड सेकंड थिंग, आई बिलीव दैट ये वर्ड्स आपको टफ लगेंगे, इनकी जो प्रोनंसिएशन है थोड़ी टफ होगी, बट विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर इन इट। बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं, इनको आप हर एक टास्क में मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, इवन इन स्पीकिंग में भी। अभी आपको मैं कुछ 5 न्यू वर्ड्स बता रहा हूँ फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रिस्मेटिक, जिसको चार्मिंग बोलते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी इन स्पीकिंग। अब देखो इसका मतलब क्या है। स्पीकिंग में हम जब भी किसी पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, पॉलिटिशियन, सिंगर। सो जब भी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में बोलना है, बजाय आप ये बोलें कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग दिस दैट, आप बोल सकते हैं कि ही इज़ क्रिस्मेटिक, शी इज़ क्रिस्मेटिक, मीन्स वो पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज़ क्रिस्मेटिक एंड इंडस्ट्रियस। क्रिस्मेटिक यानी चार्मिंग, इंडस्ट्रियस यानी हार्ड वर्किंग। सो दो वोकैब वर्ड एक साथ यूज़ हो गए। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है पब्लिक ट्रांजिट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जिसको, वी शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांजिट ओवर प्राइवेट व्हीकल्स। सो पब्लिक ट्रांजिट, पब्लिक ट्रांजिट वर्ड मैंने यूज़ किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड मेरा थर्ड वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट। सो किसी भी रिजल्ट या सर्कमस्टांसिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। फोर्थ वर्ड है रेपरकशंस, बैड इफेक्ट, रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, We all have to face the repercussions of global warming. यहाँ मैंने use किया है repercussions instead of bad effect. अब consequently से बस इस word का थोड़ा ही फर्क है, वो समझिए। Consequently है जो use होगा result के लिए, जो result निकलेगा end में, but for the bad effect, for bad result only repercussions use होगा। And next and last word, हार्ट रेंडिंग, हार्ट ब्रेकिंग। इट्स हार्ट रेंडिंग टू सी द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन दिल्ली। सो हार्ट ब्रेकिंग, जहाँ भी हम सैड हों, जहाँ भी हम दुखी हों, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं।